आज हमें दोपहर को लगभग 3 बजे के दरमियान PSI अरवली साहब का फ़ोन आया था हमको कि एक जगह कारखाना पकड़ा है जहाँ शेंगदाने से, मूंगफली दाने से उसको कलर करके उसका पिस्ता बनाया जा रहा है। उसके पिस्ते जैसे टुकड़े करते हैं और वो फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। उन्होंने बताया कि काफ़ी तादाद में वो वहाँ बोरे पड़े हैं ऐसे और बनने का काम जारी है। तो हम फिर हमारी टीम लेकर के आए, FD हमारे नागपुर की टीम, और यहाँ आके देखा तो वाकई में यहाँ पर जो मूंगफली के दाने रहते हैं, ग्राउंड नट कर्नल, उसको एक मशीन के द्वारा उसको पिस्ता के जैसे टुकड़े करते हैं वैसे तोड़कर उसको उसके पहले कलर करते हैं, ग्रीन कलर, उसको तोड़ करके फिर बिक्री की जाती है, उसकी सप्लाई किया जाता है। किस में यूज़ होता है ये पूरा? ये सोन पापड़ी और भी कई मिठाई विठाई में उसको एज अ पिस्ता दिखे इस टाइप से बेचा जाता है उसको। ये खाने से क्या लोगों को क्या होता है? ये तो कलर है और ये अनसेफ में आता है, अनसेफ कैटेगरी में आता है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इससे कलर से काफ़ी बीमारी होती है, एक तो ये कार्सिनोजेनिक भी है और सभी कई डिसीज, पेट की डिसीजेज होती है और बाकी भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, हेल्थ प्रॉब्लम्स। परिचय, मेरा नाम अमित कुमार उपलब्ध है, फूड सेफ्टी ऑफिसर FD नागपुर में हूँ, और हमारी टीम के भी और 2 जने हैं यहाँ पर। क्या नाम है? उनका नाम है एक श्री विनोद धवड़ फूड सेफ्टी ऑफिसर, और श्री रविराज दाभड़ है वो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर है।